केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग अलग फसलों की MSP में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उससे किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक अहम कदम बढ़ाया जाएगा। बता दें कि सरकार की ओर से यह फैसला तब लिया गया है जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले करीब 10 महीने से पहले ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं को घेरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज हुआ है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने जब रबी की फसल की MSP बढ़ाने का फैसला लिया तब हरियाणा के करनाल में किसान और स्थानीय प्रशासन आमने सामने रहे। किसान संगठनों द्वारा यहां बीते दिनों हुए लाठीचार्ज का विरोध भी किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि किस कृषि फसल की कितनी MSP बढ़ी है। तो आपको बता दें कि पहली फसल है गेहूं। गेहूं की MSP बढ़कर 2015 रुपये क्विंटल हो गई है। पहले इसकी MSP 1975 रुपये क्विंटल थी, तो यानी कि गेहूं की MSP में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी MSP 2015 रुपये क्विंटल हो गई है। वहीं चने की MSP अब 5230 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। पहले इसकी MSP 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी। चने की MSP में 130 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब 5230 रुपये क्विंटल हो गई है। वहीं चने के साथ साथ जौ की MSP भी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि सरकार ने जौ की MSP 1635 रुपये क्विंटल कर दी है। पहले इसकी MSP 1600 रुपये क्विंटल थी, यानी कि जौ की MSP में सरकार ने 35 रुपये की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि मसूर दाल की MSP में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। मसूर दाल की MSP पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब सरकार ने इसकी MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। बात करें सूरजमुखी की, तो सूर्यमुखी की MSP में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सूर्यमुखी की MSP अब 5441 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। पहले इसकी MSP 5327 रुपये क्विंटल थी, यानी कि इसकी MSP में सूरजमुखी की MSP में 114 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बात करें सरसों की, तो सरसों की MSP में भी तेजी देखी गई है, बढ़ोतरी की गई है सरकार द्वारा। आपको बता दें कि सरसों की MSP पहले 4650 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो अब 400 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 5050 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सरसों की MSP में सरकार ने 400 रुपये की बढ़ोतरी करी है। आपको बता दें कि सरसों पहले से ही हाजिर बाजारों के अंदर 8000 से लेकर 9000 तक बिकती हुई नजर आ रही है। तो सरसों किसानों के लिए ये जो MSP बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होने वाली है। सरकार ने जो MSP बढ़ाई है किसानों के हितों को देख के बढ़ाई है, किसानों की आय दोगुना करने के बढ़ाई है और जो सरकार है किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।